बनकर आंखों में आंसू भरकर दुनियादारी निभाऊं। हफ्ते के हफ्ते आकर नारियल चढ़ाती सब ठीक हो जाएगा, सब खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम हम सब में। मैं हूं महरुख फहद कुरैशी। नाज़रीन, 80 और 90 की दहाई से बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज करने वाली लाखों दिलों की धड़कन श्रीदेवी खुद दिल की धड़कन रुक जाने से अचानक इंतकाल कर गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट्स के मुताबिक अदाकारा की मौत हार्ट अटैक से हुई और ये मौत बाथरूम टब में गिर जाने के बाइस हुई और इसी वजह से दुबई पुलिस इसे हादसाती मौत भी करार दे रही है। ताहम सोशल मीडिया पर यह खबर खासी सरगर्म है और कयास आराइयां ये की जा रही हैं कि मौत की बुनियादी वजह डाइटरी पिल्स सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल और मुतअद्दद कॉस्मेटिक्स सर्जरीज हैं जो कि श्रीदेवी करवाती रही हैं। तो नाज़रीन इसी पर बात करेंगे कि क्या इन पिल्स का इस्तेमाल इससे कतई नज़र कि उनकी मौत किस तरीके से वाकई हुई। ये कोई ढका छुपा सीक्रेट नहीं है बल्कि एक ओपन सीक्रेट है कि श्रीदेवी ना सिर्फ एक कॉस्मेटिक सर्जरीज भी ले रही थी बल्कि इसके साथ साथ वो डाइटरी पिल्स का इस्तेमाल भी तवातर के साथ कर रही थी, जिसकी वजह से मुमकिन अगर जो उनको हार्ट अटैक हुआ है तो क्या इन सप्लीमेंट्स की वजह से ऐसी कोई खदशा जाहिर किया जा सकता है, क्या इन सप्लीमेंट्स की वजह से डाइटरी पिल्स की वजह से इन ड्रग्स की वजह से कॉस्मेटिक सर्जरीज की वजह से क्या हार्ट अटैक और इससे ज़्यादा जो रिस्की बीमारियां होती हैं या इश्यूज होते हैं वो सामने आ सकते हैं या नहीं, और क्या यही इनकी मुमकिन मौत की वजह तो नहीं बन गई। तमाम नाज़रीन इस बात में कोई शक नहीं कि दुनिया भर में मुतअद्दद जानी मानी जो शख्सियात हैं खुसूसन जो फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, जो फैशन इंडस्ट्री से मुंसलिक तबका है, हमारा सेलिब्रिटी तबका, वो फौरी तौर पर वज़न कम करने और इंडस्ट्री में तवील करियर के हुसूल के लिए डाइटरी पिल्स और सर्जरीज का सहारा ज़रूर लेते हैं और सेलिब्रिटीज़ को अपना आइडियल मानकर चलने वाले हमारे नौजवान इन्हीं सप्लीमेंट्स के बेहतरीन और फौरी नतीजे से मुतासर होकर इनका इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसका रुझान वक्त के साथ साथ बढ़ता नज़र आ रहा है। श्रीदेवी के हवाले से भी यही खबर सामने आ रही है कि 54 साल की उम्र में 35 साल दोशीज़ा नज़र आने के लिए वो साउथ कैलिफोर्निया की एक क्लिनिक से वक्तन फवक्तन सर्जरीज करवाया करती थी और हालिया दिनों जो है उन्होंने श्रीदेवी ने हाइड्रोक्सिल नामी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वो आर्ज़े कल्ब में भी मुब्तला हो गई थी और आखिर 54 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक इंतकाल कर गई। जबकि माहिरों का कहना है कि हाइड्रोक्सी कट जो ड्रग है इसका इस्तेमाल करने वालों को जो है वो इससे ज़्यादा सीरियस इशूज़ लाहक होते हैं, वो कोमा में भी जा सकते हैं। जबकि देखा जाए तो श्रीदेवी की जो हरकतें कल बंद होने से मौत वाकई हुई है ये कदरे आसान मौत है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि फौरी तौर पर और कम वक्त में जाज़िब नज़र आने के लिए ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल आखिर क्यों मकबूल हो रहा है, लोग कसरत यानी वर्जिश को तर्क करके डाइटरी पिल्स का सहारा क्यों ले रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ को साइज ज़ीरो करने का दबाव कहाँ से आता है, फिल्म इंडस्ट्री से, फैशन इंडस्ट्री से जो ब्रांड ओनर्स हैं उनसे, या फिर कोई जाती एहसास कमतरी होता है इसकी वजह, और यहाँ ये सवाल भी उठता है कि इन अद्वियात के इस्तेमाल से मौत क्यों कर वाकई होती है, जबकि ये तस्दीक शुदा ब्रांड से जानी जाती है, इन अद्वियात के इस्तेमाल से वाकई होने वाली अमवात का जिम्मेदार कौन होगा। एक अवेयरनेस के हवाले से आज का हमने ये प्रोग्राम जो है वो तश्कील दिया है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, फॉरेंसिक रिपोर्ट ज़रूर आ गई लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो सूरत हाल वाजे हो पाएगी कि श्रीदेवी जो है उनका इंतकाल कैसे वाकई हुआ था। ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वो चीज़ों का इस्तेमाल भी जरूर कर रही थी जो कि उनकी मौत की एक मुमकिन वजह हो सकता है। मैं अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ कराती चलूँ जी। मुझे इस्लाम से ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद अब्बास जो कि फिटनेस एक्सपर्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और एक जाने माने जैक्ड न्यूट्रिशन के नाम से ये आउटलेट भी रन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का अब्बास। इसके साथ साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी
जवाहर साहब। जवाहर जो हैं वो एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, दुबई में रहते हैं और बॉलीवुड और हॉलीवुड के हवाले से खासी जानकारी रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जवाहर, आप हमें दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ फरीहा अल्ताफ साहब मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी, फॉर्मर मॉडल हैं और इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, फैशन की दुनिया का जाना माना नाम। फरीहा, आपकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बास, विल स्टार्ट विद यू। अब्बास, ये बहुत ज़्यादा रुझान जो है वो पिकअप हो रहा है फिटनेस का, न्यूट्रिशन के हवाले से लोग जो हैं वो इन्फॉर्मेशन भी हासिल करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम ये बताएं कि अभी खबर ही आ रही है कि शायद उनका जो इंतकाल हुआ है वो हरकत कल्ब बंद होने से हुआ है। हरकत कल्ब की जो वजह सामने आ रही है वो डाइट्री पिल्स का इस्तेमाल सामने आया, जिसमें हाइड्रोक्सी कट नामी कोई मेडिसिन है या कोई ड्रग है, ये सप्लीमेंट है। इस हवाले से भी हमें बताइए क्या होता है, क्यों नौजवान इसका इसको इस्तेमाल करने लग गए हैं और क्या इन पिल्स के इस्तेमाल से मौत वाकई हो सकती है। मैं क्लेरिफाई करता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन है आजकल के ज़माने में। फॉर एग्जाम्पल कि एक रिपोर्ट आई, मेरे से किसी जानने वाले ने ये पूरी की पूरी रिपोर्ट लिखी कि मोस्ट प्रॉब्ली बिकॉज शी वाज यूजिंग सम ड्रग्स हाइड्रोक्सिल ड्रग्स, इवन दो हाइड्रोक्सिल ड्रग्स कोई फैट लॉस के लिए नहीं यूज़ होते हैं, हाइड्रोक्सिकट एक फैट लॉस का सप्लीमेंट है, बट दैट कैन नॉट बी द रीज़न फॉर हर डेथ और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को जो उसने जो स्ट्रोक ने उसको वाजिया किया होगा। तो फैट लॉस जो सप्लीमेंट्स होते हैं उसके अंदर नॉर्मली कैफीन होती है जो कॉफ़ी में भी हम लोग पीते हैं, रिवोल्सिन होती है जो डार्क चॉकलेट्स के अंदर भी होती है, और कुछ हर्ब्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं फैट लॉस के लिए। और कैफीन हैज़ बीन शोन टू डिक्रीज हार्ट डिजीज़, नॉट इंक्रीज इट। तो हाइड्रोक्सिकट के अंदर कैफीन और रिवोल्सिन और इस तरह के डिफरेंट हर्बल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो ये फैट लॉस के सप्लीमेंट से हार्ट डिजीज़ या हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं हो सकते, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। और सप्लीमेंट से भी नहीं होते हैं क्योंकि लोगों को इसका आइडिया नहीं है। अगर सप्लीमेंट्स के थ्रू हार्ट डिजीज होती होती तो अमेरिका भी ये सारे के सारे इलीगल हो चुके होते, बैन हो चुके होते, ऐसा नहीं होता, दे आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूसरी चीज़ आती है, दे आर पिल्स जो लोग यूज़ करते हैं फैट लॉस के लिए और वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ फैट लॉस इंक्रीज़ करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बैठे हुए भी हैं, आपकी एक्टिविटीज़ कम है, तब भी आपका फैट लॉस इंक्रीज़ हो जाएगा। वो होती हैं डिफरेंट पिल्स होती हैं जो एस्थमा के लिए बनी हुई है, जैसे क्लेन बूट्रॉल एक पिल है दैट इज़ वेरी फेमस इन स्टार्स, वो असल में मेडिकेशन है फॉर एस्थमा। व्हाट इट डज इज़ कि आपकी वो हार्ट रेट इंक्रीज़ करता है, कंटिन्यूस इंक्रीज। जब आपका हार्ट रेट रहता है तो आपको एक्सरसाइज ज़्यादा करने की जरूरत भी नहीं होती है और आपका फैट लॉस भी होता रहता है, बट दैट इज़ अ मेडिसिन नॉट अ सप्लीमेंट, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन। व्हाट डज दैट डू टू योर हेल्थ? अब ऑफ कोर्स अगर आप कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, उसकी डोजेज भी अगर आप ठीक नहीं रखेंगे तो वो हार्मफुल हो सकती है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, स्ट्रोक की तरफ लीड कर सकती है। इट कुड, आई मीन कुछ लोग ड्यूरेटिक्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कंपटीशन के लिए बॉडी बिल्डर्स ड्यूरेटिक्स यूज़ करते हैं। आपने अक्सर यूनिट सुना होगा बॉडी बिल्डर मर गया, तो लोग कहते हैं सप्लीमेंट की वजह से मर गया। मैं यही पूछना चाह रही हूं, वो सप्लीमेंट की वजह से नहीं मरा, वो ड्यूरेटिक्स की वजह से मरा। प्री कॉम्पिटिशन वो अपनी वाटर इनटेक रिड्यूस कर देते हैं और साथ ड्यूरेटिक्स लेते हैं, ड्यूरेटिक्स आपकी बॉडी में से पानी निकालता है, पानी ख़त्म करता है ताकि आपकी बॉडी ज़्यादा खूबसूरत और क्लीन शेप में रहे, तो उसकी वजह से डेथ होती है, नॉट बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स और बिकॉज ऑफ सप्लीमेंट्स। और स्टार्स क्या इस्तेमाल करते हैं? स्टार्स ज़्यादातर और दीस पिल्स, स्टार्स यूज सप्लीमेंट्स, दे यूज स्टेरॉइड्स, दे यूज हार्मोन्स, दे यूज क्लेनबुट्रॉल, मोस्ट ऑफ देम आर ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन दे हैव डॉक्टर्स अराउंड एज वेल टू सी व्हाट्स हैपनिंग। आपको अपनी अगर खबर एक आती है कि सप्लीमेंट्स या इन चीज़ों के इस्तेमाल से किसी स्टार की मौत हो गई, तो हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? फिटनेस एक्सपर्ट को, न्यूट्रिशनिस्ट को, ट्रेनर को, उस स्टार को खुद, पीयर प्रेशर, सोसाइटी के प्रेशर, उनका अपना नफसियाती दबाव, किस चीज़ को? दो चीज़ें मैं क्लियर कर लेता हूँ कि सप्लीमेंट की वजह से आज तक एक भी कॉज ऑफ डेथ नहीं हुई है कभी भी जिंदगी में, देयर इज नो रिसर्च दैट प्रूव्स दैट। इवन दोस बॉडी बिल्डर्स हु बॉडी बिल्डर्स जो मरते हैं, मैंने बताया ड्यूरेटिक्स, देयर अदर कंपोनेंट्स एज वेल दैट देयर यूजिंग, देयर इज नॉट ओनली वन थिंग दैट देयर यूज, वो बहुत ज्यादा चीजें यूज कर रहे हैं। अब एक जो स्टार है, अगर वो इस किसी भी रीज़न की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो ये भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी क्या चीज़ किस अमाउंट में कंज्यूम और डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब कर सकती है। मैं अगर आपको विटामिन सी 500 एमजी देता हूँ और दूसरे बंदे को 500 एमजी देता हूँ, आप दोनों का रिएक्शन डिफरेंट होगा टूवर्ड्स विटामिन सी ओनली। तो पर्सन टू पर्सन हर चीज़ वेरी करती है, हम लोगों को बड़ा स्मार्टली लेकर चलना पड़ता है। जो हार्ट डिजीज के कॉजेज हैं वो और बहुत ज्यादा कॉजेज हैं बेतहाशा, इस तरह इंक्रीज्ड शुगर इनटेक। ठीक है, मुझे बात ये बताइए कि ये जो 55-50 साल की उम्र के बाद जो खवातीनों हजरात पिल्स का सहारा लेते हैं सप्लीमेंट्स का, कि जी हम उनके ऊपर प्रेशर ये होता है खासतौर पर स्टार्स के ऊपर कि जी ज़्यादा अरसा, तवील अरसा फिल्मी करियर हमने निकालना है या इंडस्ट्री में हमने ज़्यादा अरसे तक रहना है, और उनके ऊपर ये भी होता है जी कि आपने अपनी फिगर भी मेनटेन रखनी है, आपने मूवीज में भी आना है, उसके लिए क्या वो नॉर्मल तरीक़ाकार, क्योंकि आपकी बॉडी 50 साल के बाद आपका मेटाबॉलिज्म और सारी चीजें सेम नहीं रहती हैं, तो क्या ये एक मेजर वजह है पिल्स लेने की, और फिर उसके क्या नुकसान सामने आते हैं? ये मैं एक चीज क्लियर करता हूं कि लोग अक्सर समझते हैं 30 40 50 के बाद आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाता है, वो इसी वजह से स्लो डाउन हो जाता है बिकॉज आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपका लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है, तो स्लोली ग्रेजुअली वो मेटाबॉलिज्म आपका स्लो डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, डाइट आपकी अच्छी है, तो यू कैन लूज वेट
without these pills as well, jo dangerous pills hain, if you want to stay away from them. Lekin asal mein log kya kehte hain, log kehte hain hum exercise bhi kam kare, hum ganda kha bhi le aur kis tarike se figure bhi apna maintain kar le, samajh rahe. To wo ek shortcut ke liye hum shayad apni health ko khatre mein dal dete hain, which is wrong. Okay, bilkul theek hai. Main is par bhi zaraungi ki ye exercise ko tark karke humne aasan kaam jo hai wo kyun ikhtiyar kar liya, maulik tareeqa kar hum kyun opt kare, is par bhi aati hu. Jawahar, aapki janib aayenge. Jawahar, right now what is the latest from Dubai, kyunki forensic report to samne aayi hai, usme to yahi kaha ja raha hai ki cause of death jo hai wo tub mein girne ki wajah se hua, lekin tub mein to gir kar humne nahi suna aise hi maut waqai ho jaye, yaqinan koi heart attack ya koi aisa kuch reason hoga jiski wajah se baad mein wo tub mein giri. Kya latest hai Dubai se is waqt? केस टर्न ओवरटर्न हो गया है मारुख. अभी ये क्या हो गया है कि पहले ये लोग बोल रहे थे कि इट हैपेंड ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट, लेकिन अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कार्डियक अरेस्ट का कहीं मेंशन ही नहीं है. ये लोग कह रहे हैं कि इट हैपेंड ड्यू टू एक्सीडेंटल ड्राउनिंग. एक्सीडेंटल ड्राउनिंग हुआ है तो ये कैसे हुआ, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि वो बेहोश होकर गिर गई है पानी में. यू नो शी हैज फॉलन डाउन इन द बाथटब एंड देयर वर ट्रेसेस ऑफ अल्कोहल इन हर ब्लड. That means she was drinking. तो वो भी है कि वो उन्होंने कुछ पिया हुआ था, प्लस उसके बाद में वो गिरी है वहां पर, कोलैप्स हो गया, चक्कर आ गया या कुछ, तो वो गिरी है, उसकी वजह से उनका डेथ बाय ड्राउनिंग हो गया है. लेकिन वो जो बॉडी मिली उसको उन्होंने काफी देर के बाद शायद एम्बुलेंस को बुलाया है, जिसकी वजह से बॉडी पूरी तरह से ब्लोट हो गई थी, यानी उसमें वो पानी भर गया था बॉडी. राइट. तो जवाहर, आप मुझे, आप श्रीदेवी को आई एम श्योर आपकी मुलाकातें रही, आप उनसे उनको जानते भी होंगे, क्या आपको लगता है कि वो इस तरीके से इतनी ड्रंक हो सकती थी कि इस तरीके से उनके साथ ये वाकया पेश आ जाए, जबकि ये खबरें भी आ रही थी कि इस फौरन उन्होंने डिनर पर भी अपने हस्बैंड के साथ जाना था, और यूजली जब आपने डिनर पर या कुछ और एक्टिविटी पर जाना होता तो आप यूजली ड्रिंक करके नहीं जाते. नहीं, वही तो बात है कि वो ड्रिंक की हुई थी शायद, एंड देन शी इज फॉलन डाउन इन द बाथटब, और उनके हस्बैंड जो कि वहां पर रूम में थे वो नीचे चले गए थे किसी मीटिंग के लिए. जब वो वापस आए तो फिर बाद में उन्होंने शायद दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो जवाब नहीं दे रही थी बाहर से, तो जब उन्होंने देखा कि उसकी उनकी बॉडी तो पानी में डूबी हुई है लगभग, सो ही ट्राइड टू रिससिटेट हर, और उसके बाद में वो देखा कि नहीं हो रहा है तो पैरामेडिक्स को बुलाया, लेकिन उसके बीच में काफी लंबा गैप आ रहा है, तो पुलिस से सस्पिशियस कि ये इतना टाइम क्यों लगाया उन्होंने. बिल्कुल ठीक है. और मैंने सुना है, माना आप लोग कह रहे हैं कि वो रिसेंटली ड्रिंक कर रही थी काफी कुछ, शादी पे भी जब वो आई थी यहाँ पर तो उन्होंने काफी ड्रिंक किया हुआ. जवाहर, किस किस्म के प्रेशर में होते हैं ये स्टार्स, जो ड्रिंकिंग हैबिट इज वन थिंग, लेकिन उससे पहले हमें ये भी पता है कि 54 इयर्स की एज में भी वो 30-35 की नजर आती थी. डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट शी माइट हैव गॉन थ्रू इन टर्म्स ऑफ सर्जरीज एंड ऑल दैट, एंड दैट माइट हैव यू नो हैड सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर यू नो ऑन हर, और वो कोई नफ्सियाती दबाव के नतीजे में इवेंचुअली ड्रिंकिंग हैबिट्स की तरफ जो है वो आई. नहीं, ये मारुख एक्चुअली ये क्या है कि बिकॉज ऑफ देयर सेलिब्रिटी स्टेटस इनमें बहुत इनसिक्योरिटी होती है, और इनको पता है कि देयर फेस एंड देयर फिगर इज देयर फॉर्च्यून. ओके, शी वाज नॉट इन द रनिंग एज अ लीडिंग लेडी और एनीथिंग लाइक दैट, वो अपनी एज के मुताबिक रोल कर रही थी, बट स्टिल ये प्रेशर होता ही है कि यू हैव टू लुक गुड इन फोटोग्राफ, आपको अच्छी तरह फोटोग्राफ करना है, आपको सब कपड़ों में अच्छा लगना है, यू हैव टू प्रेजेंट मॉडल काइंड ऑफ अ फिगर, तो ये इनसिक्योरिटी बहुत होती है कि आई शुड नॉट पुट ऑन एनी वेट. अभी आप करीना कपूर को देखिए, वो अपने आप को कितना स्लिम रखती है, इसी तरह श्रीदेवी, आप रेखा को देखिए, दे ऑल वॉन्ट टू मेंटेन देयर गुड लुक्स, बिकॉज उनको लगता है कि गुड लुक्स की वजह से ही लोग हमको याद कर रहे हैं, वरना हमको सब भूल जाएंगे, बीबी कट ऑफ, यू नो. बिल्कुल ठीक है. मैं इसी प्रेशर की भी बात करना चाहूंगी, श्रीदेवी के हवाले से और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे लेना चाहूंगी. फरिया अल्ताफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, जो फॉर्मर मॉडल है, इसके साथ साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम, इवेंट ऑर्गेनाइजर, फैशन की दुनिया का एक बड़ा नाम. फरिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. फरिया, किस किस्म का प्रेशर होता है स्टार्स के ऊपर जब वो इस इंडस्ट्री में आते हैं? हमें तो दूर से सब अच्छा लग रहा होता है, हमें लग रहा होता है इनकी जैसी लाइफ जो है वो शायद किसी की नहीं होती, इसीलिए हम इनको सितारे, स्टार्स भी इनको हम कहते हैं, लेकिन व्हाट प्रेशर डू दे अंडरगो, स्पेशली जो मॉडल्स होती हैं अपने फिगर को मेंटेन रखने के लिए, और ये प्रेशर कहां से आता है उनके ऊपर? ये साइज जीरो का प्रेशर इंडस्ट्री से आता है, मीडिया का प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, ब्रांड ओनर्स का प्रेशर होता है, आप लोगों का प्रेशर होता है, या ये उनकी अपनी एहसास से कमतरी होती है? देखिए, अगर आपने एक स्टार बनना है, पहली बात है कि मॉडल और स्टार में बहुत डिफरेंस है. मॉडल जो है उसको एक सर्टन साइज होना पड़ता है, बट साइज जीरो इज द रॉन्ग साइज.
जो आप कह रही है ना मॉडल्स का साइज जो है एक्चुअली इज 8, इट्स अ साइज 4 अमेरिकन और साइज 8 ब्रिटिश साइज है. तो ये जो कह रहे हैं ना साइज 0 ये बकवास है. ऐसा कोई मॉडलिंग में कोई ये नहीं है कि जी, और बल्कि इसके ऊपर तो मॉडलिंग की दुनिया ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया है कि भाई यू शुड नॉट बी टू थिन, बल्कि थिन मॉडल्स को अब वो लेते ही नहीं है क्योंकि उनको बैड पीआर मिलती है. तो अब मॉडल्स को इस तरह से शेम नहीं किया जाता जैसे पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर था. बिल्कुल प्रेशर नहीं है इस तरह का. अब तो प्लस साइज मॉडल्स इतनी इस्तेमाल की जाती हैं और अब बिल्कुल चेंज हो गया है. वेस्टर्न कल्चर ने तो बिल्कुल इसको चेंज कर दिया है. और पाकिस्तान में भी अब हम इस चीज़ को बुरा समझते हैं कि किसी को आप उसके बॉडी के साइज़ के ऊपर आप उसको साइज अप कर रहे हो या आप उसको उस तरह से देख रहे हो. जहाँ तक स्टार्स का ताल्लुक है, आई थिंक हमारे जो पाकिस्तान के स्टार्स हैं वो अब काफ़ी फिट हो गए हैं. और वो फिटनेस इसीलिए आई है क्योंकि वो एक इंटरनेशनल चीज़ बन चुकी है. फिट होना तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि आपको सबको जाके सब लोग जिम जाते हैं, अपना डाइट कंट्रोल करते हैं. ये भी हम सब जानते हैं कि पिल्स का इस्तेमाल, डाइटरी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल, कॉस्मेटिक सर्जरीज का इस्तेमाल, बोटॉक्स इंजेक्शन, फेयरनेस इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें भी साइमल्टेनियसली हो रही हैं. ये होती होंगी, ज़रूर होती होंगी. देर इज़ नथिंग, मैं इसमें कोई बुराई नहीं समझती कि कोई अपने आप को बेहतर लगने के लिए जो जिसकी मर्ज़ी हो, हम लोग अपनी मर्ज़ी से करें और हम किसी को जज नहीं करते. अगर कोई नॉर्मल लगना चाहता है या नहीं कराना चाहता तो ठीक है, और अगर किसी को कराना है तो वो अपनी मर्ज़ी से कराए. लेकिन मैं हमेशा ये एडवाइस देती हूँ सबको कि जो भी चीज़ करो उसको पहले चेक करो कि वो हेल्दी है कि नहीं, क्योंकि पहले बहुत सारी चीज़ें मार्केट में हैं जो कि आपको पता नहीं है कि आपकी सेहत के लिए सही है कि नहीं. आपको डॉक्टर से बिल्कुल पता करना चाहिए कि भाई ये पिल्स खा सकते हैं कि नहीं डाइटिंग के लिए. डाइट पिल्स एनीवे मेरे ख्याल में कोई सही चीज़ नहीं होती. तो बेस्ट होता है कि आप एक बैलेंस डाइट रखो. ठीक है, बट जवाहर ये प्रेशर क्या कहाँ से आता है स्टार्स के ऊपर टू मेंटेन देयर फिगर, देयर पर्सनैलिटी? ये ब्रांड ओनर्स की तरफ से आता है, ये हमारे फैशन की दुनिया के लोगों की तरफ से आता है, ये उनकी अपनी पर्सनैलिटी का कोई फ्लॉ होता है दैट देयर नेवर सेटिस्फाइड विद हाउ देयर लुक? नहीं, ये आप कह रहे हैं जो थिंक है, ये बहुत बहुत जी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है लोगों में कि हमको अच्छा लगना है, आई डोंट वांट टू पुट ऑन वेट, आई शुड नॉट लुक बैड. और ये हर तरफ से प्रेशर आता है क्योंकि आप अगर एक एक्टर हैं तो यू हैव टू लुक नाइस. द मोमेंट यू स्टार्ट पुटिंग ऑन वेट पीपल स्टार्ट डिस्कार्डिंग यू. आप देखिए आजकल की जो भी हीरोइंस है या हीरोज है, एवरीबडी इज कीपिंग फिट, यू नो, लाइक आपकी जो पहले पैनलिस्ट कह रही थी कि आजकल सब लोग अपने आप को फिट रखे बिकॉज यू ऑल फील दैट दे हैव टू लुक गुड ऑन स्क्रीन. ये फिल्म तो अभी रिलीज हो रही है लेकिन वो वीडियो पे, वो यूट्यूब पे तो आती ही रहेगी. बाद में भी लोग देखेंगे तो दे शुड नॉट से यू नो दे वर नॉट लुकिंग नाइस, यू नो दैट यू हैव टू लुक नाइस फॉर एवर. तो ये इन्हें बहुत बड़ा ये कॉम्प्लेक्स ही आ जाता है कि भाई हमको अच्छा लगना ही है, यू नो. और ये जो आप कह रही है कि यूज करते हैं, ये डेफिनेटली यूज करते हैं, बोटॉक्स यूज करते हैं, सप्लीमेंट्स यूज करते हैं, स्टीरॉइड यूज करते हैं, और बहुत बारी ये प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, जो कॉस्मेटिक सर्जरी जो काफी खराब भी हो जाती है. आप हॉलीवुड में देखिए कितने बड़े बड़े स्टार्स ने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई है और उनकी बिल्कुल खराब हो गई है, यू नो, एंड देयर फेस हैज बिकम वेरी डिस्टॉर्टेड एंड वेरी अग्ली. सो दैट हैज गॉन, दैट हैज बैकफायर्ड ऑन देम. तो जैसे कि ये कह रही थी पहले कि यू नो यू हैव टू कीप एवरीथिंग इन लिमिट, यू हैव टू यूज डिफरेंट मेथड्स. पर प्रॉब्लम जवाहर यहीं पर आ जाती है अब्बास के लोग यूट्यूब से देख कर या सर्टन वीडियोज को देख के या मार्केट में क्या पॉपुलर ब्रांड चल रहा है या सुनी सुनी बातों से जो है वो इम्प्रेस होकर चीज़ें खरीदने लग जाते हैं और यू नो ऐसे मैथड्स इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल अनसेफ होते हैं. क्यों लोग जो है वो खुद साख्ता ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? कहाँ कमी है? क्या हमारे पास एक्सपर्ट्स की कमी है? इशू क्या है? एक्सपर्ट्स की तो कमी है ही है, जाहिर सी बात. आप किसी भी रैंडम बंदे से सुनते हैं ना, मेरा कोई दोस्त है वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंसर है उस ग्रुप के अंदर, अगर वो एक बात बोलेगा ये चीज़ कर लो तो बेहतर फ़ायदा मिल जाएगा, आप आंखें बंद करके उसकी बात सुन लेते हैं और आप आगे जाके कर लेते हैं. यू डोंट आस्क एक्सपर्ट्स, यू नीड टू फाइंड गुड एक्सपर्ट्स, उनसे प्रॉपर तरीके से उनसे इन्फॉर्मेशन लेना, फिर उसके बाद अपने एंड पे भी रिसर्च करना. देर आर स्टडीज़ बिहाइंड एवरीथिंग. कोई भी सप्लीमेंट आता है उसके पीछे स्टडीज़ होती हैं, कोई भी मेडिसिन आती है उसके पीछे स्टडीज़ होती हैं, कोई भी एक्सरसाइज रूटीन आती है उसके पीछे स्टडीज़ होती हैं. आप ऑनलाइन जाएं गूगल के ऊपर, यू कैन फाइंड अबंडेंस ऑफ नॉलेज ओवर देयर. तो मुश्किल नहीं है आपके लिए फाइंड करनी सारी की सारी नॉलेज. अब ये बात आपकी ठीक है, सांस के ऊपर प्रेशर होता है, बट इन अ गुड वे वो प्रेशर अच्छा भी है. अगर आप अपने आप को एक सर्टेन तरीके से लेके चल रहे हैं और ओबेसिटी नहीं आने देते. यू कॉस्मेटिक सर्जरीज दैट हैव गॉन प्रॉपर अब्बास, आई मीन नॉट कॉस्मेटिक सर्जरीज, आई एम टॉकिंग अबाउट यू कीपिंग योरसेल्फ स्लिम एंड नॉट पुटिंग. दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू. जी फरीहा,
Yes, it's not true at all. I don't think that's true at all. I think jab koi cosmetic surgery karne jata, it's a very serious thing. So you have to do your homework. For example, abhi aapko pata hai recently Sajid Hasan ke saath kya hua tha. I know. ठीक है ना सबने उनकी उनके स्कैल्प को तस्वीरें हर जगह सोशल मीडिया पे लगी हुई थी तो उन्होंने जब फहद ने जाके उनकी सर्जरी करवाई उनको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं लेकिन उनसे मुझे पता चला कि उन्होंने ज़्यादा रिसर्च नहीं की थी आप लोगों की बातों में नहीं आ सकते दिस इज़ योर हेल्थ योर फेस योर बॉडी वट एवर आप जो डालोगे उसके अंदर आपको पहले डॉक्टर से पूछना पड़ता है आपको पता होना चाहिए कि ब्लड टेस्ट यू नो Yeah. बिल्कुल ठीक है जी वक्फा लेते हैं वक्फे से जब वापस हम ये बात करेंगे कि जो हेल्थी तरीक़ाकार है एक्सरसाइज इन चीज़ों को तर्क क्यों किया जा रहा है और उसके मुकाबले में कम वक्त के अंदर ज़्यादा नतीजे हासिल करने के लिए ऐसी चीज़ों के लिए ऑप्ट क्यों किया जा रहा है और फिर इसके बाद हम श्रीदेवी के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में रिसेंटली क्या हो रहा था क्या इसकी वजह कुछ जो सर्टन वाक़ात उनके रिसेंटली हुए हैं क्या वो तो कोई वजह नहीं है एकदम से इस तरह की हादसाती मौत की एक वक्फा हमारे साथ ही रहिए नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं जवाहर ये बताइएगा श्रीदेवी साहिबा के हवाले से हमेशा से खबरें आती रहीं कभी वो नाक की सर्जरी करवा रही हैं कभी वो दीगर सर्जरीज करवा रही हैं कभी वो डाइटरी सप्लीमेंट्स ले रही हैं कुछ चीज़ों में तो हकीकत है लेकिन क्या कुछ चीज़ें एग्जैजरेटेड भी हैं अभी का इजाजत सबने कराया है और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि हमने करवाया हुआ है चाहे वो प्रियंका हो या चाहे वो अनुष्का हो या चाहे वो हेमा मालिनी हो या रेखा हो या कोई भी हो ऑल दीज एक्ट्रेसेस गेट समथिंग ऑल दी अदर डन यू नो ऑफ कोर्स वो ओपनली अनाउंस तो नहीं करते लेकिन सबको पता है कि उन्होंने करवा रहे हैं और बिफोर आफ्टर की फोटो भी आ जाती है अखबारों में कि इन्होंने कुछ करवाया हुआ है डेफिनेटली यू नो बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू कि इनके ऊपर हमेशा एक कंपल्शन रहता है कि यू हैव टू लुक गुड यू नो लेकिन ये साइज ये अनफॉर्चुनेटली जवाहर साइज जीरो का ये जो सारा फिनोमेना था ये करीना कपूर की तरफ से आया अदरवाइज फरिया जैसे हमें बता रही हैं कि इट्स ऑलवेज साइज फोर और साइज एट लेकिन ये बॉलीवुड के स्टार्स कितना इम्पैक्टफुल होते हैं नॉर्मल लोगों की लाइफ के ऊपर नहीं डेफिनेटली होते हैं ना जैसे कि आपके पैरेंट्स बता रहे थे कि आपने कहीं से सुन लिया कि ये डाइट पिल्स या ये चीज काम करती है हेयर के लिए कुछ भी तो आप बिना सोचे समझे उसको मंगवा लेते हैं जैसे कि यहाँ पैकेज पहले कहते थे कि थायराइड में डाइट पिल्स मिलते हैं आप वो मंगवा लीजिए लोगों ने खाए लेकिन उसके साइड इफेक्ट कितने होते हैं और यू नो उससे कोई वेट परमानेंटली कम नहीं हो जाती आप जब तक ले रहे हैं तो होता है लेकिन नॉर्मल लोगों की तो एक बात है नॉर्मल लोगों की तो एक बात है फरिया बात कर रही थी कि जी अपना होमवर्क करके जाना चाहिए तो मैं तो ये नहीं मान सकती कि सेलिब्रिटीज अपना होमवर्क करके नहीं जाते लाइक कम ऑन इन सब की नाक के सर्जरीज मुतअद्दिद की बॉलीवुड के स्टार्स की गलत हो जाती है दे आई एम श्योर गो टू द बेस्ट डॉक्टर देन व्हाट गोज रॉन्ग No, they go to the best doctors, but even the best doctors can go wrong sometimes, na. आप देखिए कभी-कभी उनकी lips, अनुष्का की lips का कितना problem हो गया था जब वो Bombay Velvet में कराया था, किसी की नाक का problem नहीं था, शिल्पा शेट्टी दो या तीन बार नाक कराई थी. ओके सर मेरे ख्याल में कि आप नहीं फॉलो कर रहे कि जब आपको डॉक्टर कहता है कुछ लोग स्मोक करते हैं जैसे आप कॉस्मेटिक सर्जरी करा ही नहीं सकते अगर आप स्मोकर हो आपको स्मोकिंग छोड़नी पड़ती है एक महीने के लिए मुझे ये सब कुछ इसलिए पता है क्योंकि मैं इस बिज़नेस में हूँ तो मैं हम लोग तो रोज़ ये बातें करते हैं हमें पता होता है कौन क्या करा रहा है कहाँ करा रहा है लोग यहाँ पे पाकिस्तान में तो बहुत छुपा के सब कुछ करते हैं ना लोग लेकिन ये है कि आपको अपना होमवर्क करना चाहिए आपको डॉक्टर आपको पूरे टेस्ट कराने पड़ते हैं और कभी कभी आपके टेस्ट इस तरह आते हैं जो आपको डॉक्टर कहता है कि यू कैन नॉट डू दिस सो डॉक्टर क्यों अपनी पूरी रेपुटेशन ख़राब करेगा और क्यों अपनी खड्डे में डालेगा अपना सारा करेगा ऐसे थोड़ी होता है आई थिंक समटाइम्स People are irresponsible. Irresponsible आप नहीं हो सकते हैं जैसे मैंने कहा जान है तो जहान है तो आप क्या करोगे खूबसूरत शक्ल के टेढ़ी शक्ल तो नहीं करा लोगे ना बात करते हैं who's at fault when something goes wrong अब डॉक्टर्स भी काफ़ी किस्म के होते हैं काफ़ी लोगों के बात थोड़ी ऑफेंडेड लगी खासतौर पर डॉक्टर्स को लेकिन सम डॉक्टर्स आर एक्चुअली इन द फील्ड टू मेक मनी अच्छा डॉक्टर है जिसकी रेपुटेशन अच्छी है शायद वो प्रोटेक्ट करने के लिए गलत सर्जरी ना करे लेकिन ऐसे और बेतहाशा डॉक्टर्स हैं जो कुछ पैसे कमाने के लिए ऐसे बंदे की भी सर्जरी कर दे जिसको जरूरत नहीं है या तो उसके लिए डेंजरस हो सकती है मोस्ट ऑफ दैट इज अ पॉसिबिलिटी भाई हाँ तो इसीलिए आपको खुद भी रिसर्च करना जरूरी है और डिफरेंट डॉक्टर्स से आप एडवाइस हैंग ऑन
नहीं, इफ यू आर अ सेलिब्रिटी तो आपके पास तो इतना आपको तो पता होता है कि कौन अच्छा डॉक्टर, आपके पास मींस भी होते हैं, आपके पास पैसे भी होते हैं, सो व्हाई वुड यू गो? आप कभी अपनी शक्ल और अपनी बॉडी के साथ नहीं खेलोगे, वो तो बहुत ही कोई सीरियस इनसिक्योरिटी हो. तो इस तरह के तो केसेस जो होते हैं ना, जो कि अभी हुआ है, अगर ये सच है कि वो इसी तरह, आई एम सो सॉरी अबाउट हर डेथ, तो इस तरह के जो चीज़ें केसेस होते हैं वो एक्सट्रीम होते हैं. इस तरह से तो बहुत सारे लोग हैं जो एनोरेक्सिक भी होके मर गए. हमारी लेडी डायना सफ़र करती थी डिप्रेशन से, वो बुलिमिक थी, वो आके खाना खाती थी और वो फिर उल्टी कर देती थी क्योंकि उनके तो और उनके इनसिक्योरिटी और किस्म की थी. एक्चुअली आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस अब्बास, बिकॉज लोग अक्सर तो फिटनेस के लिए आते हैं लेकिन कुछ लोग नफ्सियाती दबाव का शिकार होकर इन चीज़ों को इख्तियार करते हैं, जैसे बुलिमिक होने की बात थी. इसके बारे में आप क्या कहोगे, कैसे फिर आपको पता चलता है कि ये शख्स आपके लिए फिटनेस के लिए आ रहा है या फिर ये यू नो डिप्रेशन की वजह से बेतहाशा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. अब एक बंदा रियलाइज़ नहीं करता कि डिप्रेशन की वजह से आपका वेट भी बढ़ सकता है क्योंकि कोर्टिसोल का एक हार्मोन होता है आपकी बॉडी में जो इंक्रीज़ हो जाता है, वो इंसुलिन के साथ कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो अगर आप उसमें प्ले करें तो वो ओबेसिटी और फैट डिपॉजिट्स इंक्रीज़ करता है आपकी बॉडी में. और अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं दिमाग की, ब्रेन की, और आपकी इमोशनल स्टेट प्रॉपर नहीं है तो वो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ करता है, हाइपरटेंशन भी इंक्रीज़ करता है, हार्ट डिजीज़ भी इंक्रीज़ करता है, ओबेसिटी भी इंक्रीज़ करता है. ठीक है, तो दिमाग के इश्यूज़ कैन लीड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. ठीक है, बट अगर आपको दिमागी इशू है और आप फिटनेस की तरफ आ रहे हैं क्योंकि आपको दिमागी इशू है, तो आपको कैसे? अब एक और बात, अगर आप फिटनेस की तरफ आ रहे हैं, अगर आपको दिमागी प्रॉब्लम्स हैं या एंग्जाइटी है, मेरे पास क्लाइंट्स हैं जो आते हैं मेरे पास जिनको एंग्जाइटी होती है वो 20, 21, 22 ईयर्स ओल्ड यंग गाइस जिनको एंग्जाइटी का इशू है, लेकिन इफ यू कम एंड एक्सरसाइज हैज बीन शोन टू डिक्रीज डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी. बट एक्सरसाइज ना, एक्सरसाइज नॉट लाइक दी सप्लीमेंट्स एंड स्टफ एंड एवरीथिंग. अब सप्लीमेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल फैट लॉस सप्लीमेंट्स की बात किया जाता है स्कूल के अंदर क्लास के अंदर, बिकॉज़ दे आर टू थिन, अब वो डिप्रेशन का शिकार होकर आपके पास आता है और उसको फौरी नतीजा चाहिए. वो चाहता है कि मैं कल दो स्कूप्स खाऊं, यू नो, लेकिन दो स्कूप खाने से, सप्लीमेंट खाने से आपको एकदम से रिजल्ट नहीं मिलते. लेट मी क्लेरिफाई दिस. ओके, सप्लीमेंट खाने से ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं आते, स्टेरॉइड से थोड़ा जल्दी रिजल्ट्स आते हैं. अच्छा, लेकिन अगर आप एक अच्छे एक्सपर्ट के पास जाओगे तो आपको एक ही बात बताएगा कि जो चेंज आएगा वो ओवर टाइम आएगा. वन, यू विल हैव टू वर्क फॉर इट, सेकंड, एंड इट विल टेक टाइम, यू कैन नॉट गेट ओवरनाइट रिजल्ट्स. तो जो एक अच्छा ट्रेनर होता है वो एक पूरा प्रोग्रेशन के हिसाब से आपका एक प्लान डेवलप करता है. इट इंक्लूड्स एक्सरसाइज, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन डाइट प्लान, इंडिविजुअलाइज टू योर नीड्स. यानी हर बंदे की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है, उसके अकॉर्डिंगली बनेगा, फिर सप्लीमेंट प्लान आपके अकॉर्डिंगली बनता है हर बंदे के. बिल्कुल ठीक है. ये जो पॉपुलर मार्केट के अंदर ब्रांड हम सुनते हैं यहाँ पर GNC एंड ऑल दीज और इन पे जो ब्रांड्स मिल रहे होते हैं, वो इस्तेमाल करने से क्या वो मुजरे से रहते हैं, नहीं, क्या कोई मिसकंसेप्शन है सवाल से, ये भी मैं पूछूंगी जब हम वापस आएंगे. एक बहुत मुख्तसर सा वक्फा, फरीहा भी मेरे साथ हैं, अब्बास भी मेरे साथ हैं, जवाहर भी मेरे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिए. नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं. अब्बास, हमें क्विकली ये बताएं कि जो लोकल ब्रांड्स होते हैं क्या इजीली, जो इजीली मार्केट के अंदर अवेलेबल है, मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ, वो सप्लीमेंट्स वगैरह वो लेना ठीक है, वो मुजरे सेहत तो नहीं है, और क्या उनको लेने से पहले भी किसी फिटनेस एक्सपर्ट से पूछा जाए? सप्लीमेंट्स आर परफेक्टली फाइन टू कंज्यूम, उसमें कोई भी ख़राबी नहीं है. आपको किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है वो आप लाजमी अपने ट्रेनर से सजेस्ट कर लें, या तो किसी भी अच्छे कंसल्टेंट या फिटनेस न्यूट्रिशनिस्ट से. नहीं, प्रोटीन पाउडर आप रैंडमली ले सकते हैं, मल्टी वाइटामिन अगर आपकी वाइटामिन्स की कमी है, अगर आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स नहीं कंज्यूम करें तो मल्टी वाइटामिन ले सकते हैं. ओमेगा 3 जो फिश के अंदर होता है वो हम लोग वैसे ही बहुत कम कंज्यूम करते हैं, तो वो लेना इज परफेक्टली फाइन. वो फैट लॉस में हेल्प करता है, हार्ट हेल्थ बेहतर करता है, ब्रेन फंक्शनिंग इंप्रूव करता है, जॉइंट की फंक्शनिंग इंप्रूव करता है. तो ये जो सप्लीमेंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक है लेने के लिए, उसमें कुछ भी खराबी नहीं है. बहुत मिसकंसेप्शन हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों लें हम ये सप्लीमेंट्स डाइट के थ्रू, क्यों ना अपनी लाइफ को अगर आप डाइट के थ्रू पूरे कर सकते हैं. जी फरिया, आई थिंक आपको सप्लीमेंट्स उस वक्त लेने चाहिए जब आपको ज़रूरत है, किसी चीज़ की कमी हो. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर नेचुरली वो चीज़ नहीं खा रहे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है नेचुरल चीज़. जब आप अपनी बॉडी को यूज़ टू कर देते हैं वाइटामिन से, तो आपकी बॉडी खुद वाइटामिन नहीं बनाती, वो खुद ही नहीं बना पाती. वाइटामिन डी जो है सबसे ज़्यादा कमी
हमारे मुल्क में विटामिन डी क्यों, हम धूप में नहीं जाते, हमें हम डरते हैं धूप से, तो हम काला होने से डरते हैं। सबसे ज़्यादा साउथ एशियंस में इसकी कमी है। फिर एक सर्टेन एज पे आपकी कुछ वैसे ही आपकी बॉडी नहीं बना पाती, तो आप उस वक्त लो, वरना तो अपनी बॉडी को इजाजत ही नहीं दे रहे कि वो खुद ही प्रोड्यूस करे। अभी तक आप सिर्फ पॉजिटिव बोल रहे हो सप्लीमेंट्स के बारे में, ये साइड भी तो बताओ लोगों को। विटामिंस और मिनरल्स आपको डेली कंज्यूम करने पड़ते हैं, आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करेगी। विटामिन डी सनलाइट के थ्रू प्रोड्यूस करती है, लेकिन ऑल द अदर विटामिंस हैज टू बी कंज्यूम थ्रू फूड, खाने के थ्रू कंज्यूम करना जरूरी है। अगर एक बंदा कहता है कि हाँ मैं अपने विटामिन सारे के सारे कंज्यूम कर रहा हूँ through vegetables and fruit, you do not need a multivitamin. कोई ज़रूरत ही नहीं लेने की। अगर आप खाने के थ्रू पूरा करें, supplements क्यों आए? Supplement नाम क्या है? It's there to supplement your diet. अगर कुछ चीज़ की कमी है तो उसको आप सप्लीमेंट करेंगे थ्रू सप्लीमेंट। लेकिन आप तो इसलिए लिए जाते हैं कि जी कमी है, आप तो इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि आपने फिट होना, आपको कट चाहिए, आपको शेप नहीं, 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 आपको फैट। वही मैंने आपको बताया कि सप्लीमेंट्स खाने से कोई ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं आते। आप प्रोटीन पाउडर क्यों यूज करते हैं ज्यादातर लोग? प्रोटीन पाउडर आसान इनटेक करने के लिए एक बात, दूसरा उसकी डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी होती है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप सर्टेन फूड लेते हैं। अगर आप एक खाना खाएंगे उसको 3-4 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब होने के लिए, तो लोग ज़्यादातर वर्कआउट के बाद प्रोटीन पाउडर लेते हैं क्योंकि वो 20 मिनट में डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब हो जाता है, उसके न्यूट्रिएंट्स मसल में जाते हैं और वो रिकवरी तेज कर देते हैं ताकि आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा टैक्सिंग ना हो और आपकी बॉडी रिकवर करना चाहिए। आपको प्रोटीन पाउडर, इट्स नॉट अ मेडिसिन, इट्स जस्ट प्रोटीन। जिस तरह अंडे में प्रोटीन होती है, चिकन में होती है, दूध में होते हैं। जो लोग वर्कआउट करते हैं वो वर्कआउट के फौरन बाद ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस यूज करते हैं, इट्स परफेक्टली फाइन। चलिए जी, हमारे पास आखिरी चंद मिनट है, मैं चाहूंगी कि हम इनका भरपूर फायदा इस्तेमाल उठाते हुए जो है श्रीदेवी साहिबा को एक जबरदस्त ट्रिब्यूट भी पेश करें इन आर ओन वर्ड्स। जवाहर, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, क्या मुलाकात रही आपकी उनसे, किस हैसियत में आप उनको जानते थे, क्या ताल्लुक रहा आपका उनसे, और कैसी थी श्रीदेवी, पर्दे के पीछे कैसी थी? आई डोंट नो हर पर्सनली, मैंने उनको देखा है एक दो बार शूटिंग पे एंड ऑल दैट, बट मुझे कभी उनको इंटरव्यू करने का मौका नहीं मिला जनरली। बट ओवरऑल शी वॉज अ वेरी क्वाइट पर्सन, जो भी जानते हैं उनको, जो मैंने भी जो देखा है वो ज्यादा बात नहीं, वो काफी शर्मीली थी एक्चुअली, शी वॉज वेरी शाय, यू नो शी वुड नॉट ओपन अप विद एनीबॉडी। उनके जो कोई खास दोस्त भी नहीं थे, एक बहन थी उनकी, एंड दैट्स व्हाट यू नो शी वॉज अ वेरी, आई थिंक फ्रॉम विद इन शी वॉज अ लोनली पर्सन, यू नो शी वॉज नॉट अ वेरी आउटगोइंग एक्सट्रोवर्टेड पर्सन, वो किसी से ज्यादा बात करती नहीं थी, तो वो अपने अंदर ही रखती थी जो दिल की बात है, और बचपन से ही काम कर रही थी फिल्मों में, तो वो थोड़ा एक लोनलीनेस, एक अकेलापन सा आ जाता है इंसान में, एंड आई थिंक देयर वाज सम लोनलीनेस। अगर आप उनकी आंखें देखी ध्यान से, अगर आप उनका लास्ट वाला वीडियो देखी जो इंटरनेट पे है, तो आपको लगेगा कि वो कितनी अकेली नजर आ रही थी वहां पर भी, although she was at a wedding, at a family wedding, लेकिन वो बहुत अकेली लग रही थी मुझे। जवाहर, वैसे कितनी अजीब सी बात है कि हवा हवाई और इस किस्म की, मतलब गाना में परफॉर्म करने वाली, जब हम सुनते हैं कि अकेली थी तो दिल नहीं मानता, यकीन नहीं आता। मैं भी नहीं मानती, मुझे तो I don't think she was, जी फरिया, I don't think that उसको उनको मैं नहीं जानती, लेकिन जहाँ तक मुझे नजर आया ओवर द ईयर्स जो उनमें चेंज आया था, वो बहुत एलिगेंट हो गई थी। She was very elegant. She stood up very tall. वो कभी दुबली तो थी नहीं फिल्मों में, उस ज़माने में ख़वातीन दुबली नहीं होती थी, माधुरी कभी दुबली नहीं थी, उस ज़माने में ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि यू हैव टू हैव यू नो बिल्कुल आपको साइज़ ज़ीरो होना पड़ेगा या बहुत दुबला होना पड़ेगा। आई थिंक हमारे कल्चर में वैसे भी बहुत ज़्यादा दुबली ख़वातीन पसंद नहीं की जाती पब्लिक में, बट आई ऑलवेज थॉट दैट शी वॉज वेरी लाइवली एंड शी वॉज वेरी एलिगेंट, एलिगेंट थी वो बहुत, बिल्कुल ठीक है। और फरिहा, एक दिस इज आल्सो एन एंड ऑफ एन एरा, यू नो लाइक आई स्टिल रिमेंबर वाचिंग मिस्टर इंडिया एंड ऑल ऑफ हर मूवीज, यू नो, एंड वी रियली मिस हर। अब्बास, कितना डिफरेंट हो गया अब हमारे लिए, श्रीदेवी इज नो मोर। एग्जैक्टली इट इज काफी सैडनिंग बात है, जाहिर सी बात है, and she was a great actress overall. It's very sad. It's saddening for the entire nation, entire world of course. बिल्कुल ठीक है, मतलब when we all woke up to this news तो बड़ा एक अफसोस कि इतना बड़ा सितारा, बॉलीवुड का इतना बड़ा नाम वर्ल्ड ओवर, जिनको इतना फेम मिला, वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। ताहम अपनी मूवीज, अपनी यादों, अपनी एक्टिंग के थ्रू रियल लाइफ में वो जितने भी उदास हों, पर्दे के ऊपर हमेशा वो हमारे लिए एक बहुत ही लाइवली और फुल ऑफ एंटरटेनमेंट रही और रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया फरिया, बहुत बहुत शुक्रिया जवाहर, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास। नाज़रीन, मौत की वजह श्रीदेवी की चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल डेफिनेटली तमाम सेलिब्रिटीज़ करते हैं और उनसे इंप्रेस होकर हम लोग करते हैं, और उसके बाद बुरा नतीजा ही सामने आता है।
जरूर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन फिटनेस एक्सपर्ट से पूछिए, अपना होमवर्क मुकम्मल कीजिए और अदरवाइज इन लोगों को, सेलिब्रिटीज को मत फॉलो कीजिए, क्योंकि जैसे जवाहर बता रहे थे कि बाहर कुछ और दिखता है, अंदर इनकी लाइफ भी बड़ी हॉलो होती है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।